सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, कल का दिन था बहुत ही खास शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि क्या वो एक साथ पढ़ाई करते हुए दो डिग्रियां हासिल कर सकता है। तो पहले भारत में ये एक साथ दो डिग्री रेगुलर डिग्री लेना इलीगल था और इसे कहीं भी वैलिड नहीं माना जाता है। लेकिन कल आप देख सकते हैं कि UGC ने अपनी एक सूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी बच्चे अब एक साथ, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत, अगर वो दो डिग्रियां लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आया है और इसमें साफ साफ लिखा है, UGC अलाउज टू डिग्रीज एट अ टाइम इन अ फिजिकल मोड। तो यानी कि अगर आप एक साथ कोई भी दो डिग्री ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैंने अपना 10+2 साइंस स्ट्रीम में किया है, तो मैं अपनी डिग्री जो लेना चाहूंगी वो मैं BSc साइंस में भी ले सकती हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपनी एक और डिग्री, यानी कि अगर मैं हिस्ट्री ऑनर से या पॉलिटिकल ऑनर से कोई भी सब्जेक्ट करना चाहूँ भविष्य को देखते हुए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं UPSC की तैयारी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो अब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब बच्चे इसे कर सकते हैं। परंतु इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप डिग्री लेंगे उसका, उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि आपका जो अटेंडेंस का रेट होगा वो भी देखा जाएगा। तो अटेंडेंस रेट का कहने का मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए आप कोर्सेज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप BA या BCom कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपकी जो BA की क्लास होगी वो मॉर्निंग शिफ्ट में लगनी चाहिए, और जो BCom की क्लास होगी अगर आप उसे ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो इवनिंग शिफ्ट में लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए साफ साफ लिखा है, इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इस आर्टिकल को। स्टूडेंट्स विल नाउ बी अलाउड टू साइमल्टेनियसली परस्यू टू फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम इन अ फिजिकल मोड एज पर द UGC न्यू गाइडलाइन दैट विल बी नोटिफाइड टूडे। तो कल ये आर्टिकल आया है। सो ये सारे चेंजेस क्यों किए गए, ये सारे चेंजेस हुए हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। सो इन मे 2020 वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, द UGC हैड अप्रूव प्रपोजल टू अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू टू डिग्री प्रोग्राम इन द सेम टाइम ऑन इन रेगुलर मोड एंड अदर इन ओपन लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप दो डिग्री ले रहे हो, तो अगर आप अपना BA हैं तो आप उसे रेगुलर मोड में कर सकते हैं, और जो दूसरा BCom करना चाहे तो आप उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट बहुत ही ईजी हो गया है जब से कि कोविड इत्यादि की स्थिति बनी है। तो उसमें ऑनलाइन मोड के तहत भी बच्चे अब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही आसान हो गया है सारे बच्चों के लिए कोई भी डिग्री लेना। ठीक है, तो दूसरा जो है, और ये डिग्री आप अपने एक ही कॉलेज में ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं कोई BA की डिग्री, तो आप उसी यूनिवर्सिटी से BCom की डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, फिजिकल एंड ऑनलाइन मोड्स एट द सेम यूनिवर्सिटी और एट डिफरेंट वर्सिटीज, द गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट एंड PG प्रोग्राम परस्यूड साइमल्टेनियसली। तो ये जो गाइडलाइंस आई है ये किन किन प्रोग्राम के लिए आई है, ये आई है डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के लिए 12th और PG प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं इस साल, तो ये उस सब के, उन सारे बच्चों के लिए। ठीक है, सो नीचे लिखा है, एज अनाउंस इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड ऑर्डर टू अलाउ स्टूडेंट टू ओपन ऑर्डर अलाउ टू एक्वायर मल्टीपल स्किल, UGC इज कमिंग अप विद द न्यू गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये आप भी देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये सूचना मैं आपको देना चाहती थी बच्चों, बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सभी लोगों के लिए जो इस साल 12th पास कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन में दो सब्जेक्ट दो डिग्रियां ले ले, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के पास कभी कभी ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि क्या अगर हम दूसरे में ऑप्शन होता हमारे पास तो शायद हम उसमें अच्छा कर पाते। तो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बच्चों, तो आई एम श्योर दैट कि आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कुछ नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।